सेक्स एक्सरसाइज में ये गिविंग लॉज जो हैं वो अप्लाई होंगे। सही है, मैं इसको पहले ब्रीफ कर देता हूँ, फिर ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सही है, तो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। इसमें फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, ए रेस टू द पावर एक्स इंटू ए रेस टू द पावर वाई इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एक्स प्लस वाई। इसका मतलब ये प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने बेस और पावर, इसको बेस कहते हैं और ये पावर, अगर ये बेसिस सेम होती हैं तो इनकी पावर्स जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। लाइक 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5। अब देखें आप, ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, इनकी बेसिस सेम है, 2 बेस है, ये पावर है 3 एंड 5, और ये मल्टीप्लाई हो रही है। जब बेसिस सेम होती है तो आप पावर्स को बेस लिखते हैं एज इट इज़, और इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो 3 प्लस 5 इज़ 8। सिमिलरली एक्स की पावर 6 डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स की पावर 8। अब देखिए इनकी बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स 8 हो जाएंगी। ओके, पावर्स ही नहीं, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। बस सिंपली आपको ये देखना है, वो बेसिस सेम हो तो पावर्स जो है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है, राइट। दूसरा है लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, इसका मतलब है ए एक्स होल पावर वाई इज इक्वल टू, अब देखें पावर्स के ऊपर पावर हो तो ये आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, बच्चे कभी कभी ऐड कर देते हैं, ये पावर है ये भी पावर है होल पावर, ये दोनों आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई। ऐसे समझे आप, 2 की पावर 3 इसके ऊपर होल पावर 5 ले लें। अब देखें पावर, ये भी पावर है, ये इस नंबर की पावर है, ये होल पावर है, 5 3 50। सही थे, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर बोलते हैं, सिंपल है। यहाँ पे देखें लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट ए इंटू बी इंटू सी रेस टू द पावर एन, इसका मतलब ये 1 2 3 जितनी भी टर्म्स हो विद इन द ब्रैकेट और उसके ऊपर होल पावर हो, सही है, अगर इसके ऊपर पावर मेंशन नहीं है तो इट मीन्स के 1 है। ये देखें 1, तो एन 1 से मल्टीप्लाई होगा, ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर, ये पावर जो है सब से मल्टीप्लाई होगी। अगर इसमें 3 टर्म्स हैं तो 3 की जितनी पावर है उनसे मल्टीप्लाई होगी, 10 टर्म्स होंगी तो 10 के ऊपर होल पावर जाएगी। अभी एक्सरसाइज करेंगे तो और क्लियर होगा। ये लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन ये क्वेश्चन है ए ओवर बी, इसके ऊपर होल पावर 1 है, आपको पता है मैंने बताया था मेंशन नहीं, तो इसका मतलब है होल पावर 1 है, एन 1 से मल्टीप्लाई होगी, ए की पावर एन, बी की पावर एन। लॉ ऑफ क्वेश्चन ऑफ पावर, ए की पावर एम, ए की पावर एन इज इक्वल टू, अब देखिएगा इसको अगर हम ऊपर लेके जाना चाहें तो ये प्लस की पावर है ना, यहाँ पे ऊपर जाके क्या होगी, ये माइनस हो जाएगी, राइट। इसको ऐसे समझें आप, 5 की पावर 3 नीचे लिख दो, 5 की पावर 3 बेसिस सेम होंगी फिर ये रूल अप्लाई होगा, सही, 5 की पावर 3 तो ये देखिए प्लस 2 है तो ऊपर जाके क्या होगा, -2, तो ये आंसर हो जाएगा 5 की पावर। हमेशा ये पावर रिवर्स होगी, अगर ये नेगेटिव होगा तो ऊपर जाके क्या होगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज से बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा आपको ये लॉज, 5 लॉज हैं इनका, राइट। ये देख लें एक नज़र, क्वेश्चन वेरी इजी है, इसको सिर्फ आपको बेस को आइडेंटिफाई करना है और सॉल्व करना है, राइट। अब देखें आप, ये मैं पेज इसलिए रख रहा हूँ ताकि वो मिक्स ना हो जाए सॉल्यूशन क्वेश्चन के साथ ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन है 3 रेस टू द पावर 5 3 रेस टू द पावर 2, सही है, बहुत सिंपल वे में भी हो सकता था लेकिन पहले मैंने नॉर्मल वे में किया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में, 3 की पावर 5 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 दफ़ा 3 लिखेंगे आप, 3 की पावर 2 का मतलब है 2 दफ़ा 3 3 इंटू 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, 3 की पावर 3। अब इसके ऊपर अगर हम क्वेश्चन लॉ लगाएंगे पावर्स का तो देखिए फिर क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था ये बेसिस सेम है, 3 की पावर 5 ये लिखा, और ये डिनोमिनेटर को अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, -2, तो 5 - 2 3 की पावर 3, राइट। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आंसर हो गया आपके पास, 27। अब इधर देखें ये 2 की पावर 4 5 रेस टू द पावर 3 और 10 रेस टू द पावर 2, अब हमें इसको सॉल्व करना है, राइट। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, ये देखें
टू की पावर फोर, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, चार दफ़ा लिखा आपने डॉट, अगर आपके समझ फाइव रेस टू द पावर थ्री, क्योंकि बेसिस सेम नहीं है तो फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, टेन की पावर टू टेन इंटू टेन। अब आप इसको क्या करें, कैंसिल आउट कर दें, कैंसिल आउट करेंगे ये देखिएगा आप, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव टू ज़ा टेन, ये टू से टू कट, फिर फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव टू ज़ा टेन, फिर ये टू से टू कट। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, फाइव टू ज़ा टेन, टेन टू ज़ा ट्वेंटी, आपका क्या होगा आंसर होगा। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी देखें आप और से, पहले देखें फिर नीचे का सोल्यूशन देखिएगा, ताकि आपको ये क्वेश्चन देखें ये है ना, बस आपको सेम देखना है, ए प्लस बी की पावर टू है, ए प्लस बी इसके ऊपर मेंशन है तो अंडर स्टूड पावर क्या होगी, वन है। ओके, अब ये पावर को अगर हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, ए प्लस बी तो टू माइनस वन इज वन हो जाए, इसी ना ये देखें सी प्लस इज थ्री और टू, आप देखें इसका सोल्यूशन। अब देखें ये वन है ना, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस वन, ए प्लस बी की पावर माइनस, ये सी प्लस डी, सी प्लस डी इसकी थ्री है टू, तो थ्री माइनस टू, इसका आंसर ये हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखें, देखिए वन अपॉन थ्री रेशो, इनकी बेसिस देखें सेम है ना, और ये मल्टीप्लाई होंगे, पावर्स क्या होंगी, एड होंगी, डायरेक्ट बताए इसका आंसर, फाइव प्लस फोर इज नाइन, ये देखिए वन अपॉन थ्री, फोर प्लस फाइव, तो वन अपॉन थ्री की पावर नाइन। ओके, इसी तरह यहाँ पे देखें थ्री अपॉन फोर की पावर फाइव इंटू थ्री अपॉन फोर की पावर टू, ये बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी एड, तो फाइव प्लस टू थ्री अपॉन फोर की पावर सेवन आंसर हो गया। ये भी देखें ये और ये बेसिस सेम है, बस बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को क्या करना है, ऐड करना है, तो थ्री प्लस फाइव विच इज इक्वल टू एट, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखें माइनस थ्री, फाइव की पावर टू इंटू थ्री, दो नंबर आ रहे हैं आपके पास, सही है, माइनस थ्री, फाइव की पावर टू का मतलब क्या होता है, फाइव इंटू फाइव इज ट्वेंटी फाइव, राइट। अब ये थ्री पावर जो है, आप इसको एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर लें पहले, और इजी हो जाएगा आपके लिए, तो माइनस सेवेंटी फाइव ये पावर थ्री, आप इसको सॉल्व करना है तो तीन दफ़ा माइनस सेवेंटी फाइव को मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट ये देखें थ्री इंटू माइनस फोर की पावर टू, तो पहले विद इन द ब्रैकेट टर्म को सॉल्व करें ऑलवेज, माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, माइनस फोर इंटू माइनस फोर क्या होता है, प्लस सिक्सटीन होता है, तो सिक्सटीन, सिक्सटीन थ्री इज़ द फोर्टी एट, तो फोर्टी एट की पावर थ्री, ये आ गया आंसर, फोर्टी एट की पावर थ्री। नेक्स्ट देखिए माइनस ए अपॉन बी सी की पावर फाइव, देखें बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर लें, फाइव प्लस फोर इज नाइन, अब इसको सेपरेट करना है। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी ब्रैकेट में नेगेटिव साइन हो और ऊपर ओड पावर हो हमेशा, तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है, राइट। ए की वन है तो नाइन इंटू वन नाइन, बी नाइन सी नाइन, ये बार बार अप्लाई होगी। यहाँ पे भी देखें सारी बेसिस सेम है, पावर्स को क्या कर लें आप, ऐड कर लें, टू प्लस थ्री फाइव, फाइव प्लस फाइव इज टेन, ठीक है। अब इसको देखें ये नेगेटिव है ना, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखें, बहुत यूज़ होती है ये। अब इवन पावर है, इवन पावर में नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में, ये बस ये जहन में रखना है, सी की पावर टेन, डी की पावर टेन। अब यहाँ पे देखें अभी बहुत सारी टर्म है, हमने लाइक टर्म्स को एक जगह कर लिया, एम एम गेदर कर लिया, एन एन कर लिया, टी टी कर लिया, अब इनको ऐड किया तो एम की पावर सिक्स, एन की पावर फाइव, टी की पावर इलेवन, जो लाइक हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे देखें, देखें ए है, ए स्क्वायर है, और ये क्या है ए थ्री, और ये क्या है ए फोर, इन सबको एक जगह लिखा हमने, बी को एक जगह पे रखा, सी को एक साइड पे गैदर किया कल, और इनको ऐड कर लिया, इन तीनों को ऐड कर लें, ये आ गया, दोनों को ऐड कर लें, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक्स फोर, और ये देखें एक्स टू, तो एक्स फोर और एक्स टू बेसिस सेम है, पावर एड हो जाएंगी सिक्स, वाई वाई कितना एड हो जाएंगी नाइन। ओके, सिमिलरली जेड सिंपल ए की है तो ये एजिट इज रहेगा। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा। थ्री अपॉन फाइव ये देखें आर है, और आर है यहाँ पे देखिएगा ये रहा, तो थ्री और सेवन टेन, एस टू एस टू, अब हमने स्पीड लिए था कि आप समझ गए, टू प्लस टू इज फोर, टी स्क्वायर, ये आ गया। अभी तो देखें माइनस, ये सब देखें बेसिस क्या है, सेम है तो बस जस्ट पावर ऐड कर दें बगैर सोचे समझे, ये आ गए ट्वेल्व। अभी आपको समझ, ये माइनस आउटसाइड है तो ये आउटसाइड ही है,
मैंने बताया था इन साइड देखिए ये साइन नेगेटिव और ये इवन पावर है, तो हमेशा आंसर क्या होगा पॉजिटिव, एल ट्वेल्व और एम ट्वेल्व। और इजी करके लिखना है तो ये आ गया माइनस एल ट्वेल्व एम ट्वेल्व। अब ये देखें आप, अब ये पावर टू पावर रूल जो है वो है, पावर्स के ऊपर देखें ये पावर और इसके ऊपर और पावर। अभी बताएं आप, अगर आपको याद होगा तो पावर पे पावर होती है तो क्या होती है मल्टीप्लाई, थ्री टू ज़ा सिक्स, देखिए फाइव की पावर सिक्स। और फर्दर सोल्व करने जाए तो आपके कॉन्सेप्ट के लिए फाइव को सिक्स टाइम लिखें आप और मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे देखें पावर के ऊपर पावर, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करें आप, थ्री फाइव ज़ार फिफ्टीन, अब फिफ्टीन देखें एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं है, वन वन फिफ्टीन बन जाए, एक्स फिफ्टीन वाई फिफ्टीन। इधर देखें पहले पावर्स को पावर से सॉल्व कर लें, टू फाइव ज़ार टेन, और मैंने भी बताया था देखें नेगेटिव है और उसके ऊपर इवन पावर है, तो आंसर क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव और फोर की पावर टेन, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते जाएं, अब थोड़े से बिगर होंगे क्वेश्चन। देखिए माइनस थ्री की पावर थ्री, माइनस फोर की पावर टू और थ्री। अब ये देखें ये पावर है ना, ये इस पर भी अप्लाई होगी और इस पर भी, ये होगा इससे मल्टीप्लाई, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री टू ज़ा सिक्स। अब देखें ये माइनस थ्री है ना, ओके इसके ऊपर और पावर है, ये हमने अलग-अलग लिख दी, माइनस माइनस में आंसर आएगा और थ्री की पावर नाइन। ये देखें माइनस, इसके ऊपर क्या है इवन पावर है, तो इसका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव और फोर की पावर सिक्स। अब इसको सॉल्व अगर करना चाहें तो कैलकुलेटर से करें, या थ्री को नाइन टाइम मल्टीप्लाई करें, फोर को सिक्स टाइम और आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आएगा। इतना ज़रूरी नहीं इसको एज इट इज भी छोड़ सकते। ये देखिएगा दो टर्म्स हैं, इसके ऊपर और पावर है, फाइव के ऊपर पावर क्या है वन है, थ्री टू ज़ा सिक्स, बी की पावर रेस्ट टू द पावर सिक्स, थ्री वन ज़ा थ्री फाइव रेस्ट टू वन, फाइव की पावर थ्री इज वन ट्वेंटी फाइव। यहाँ पे देखें पहले सॉल्व कर लें, ये पावर है थ्री टू ज़ा सिक्स, अब देखें ये इवन पावर आ गई और ये क्या नेगेटिव, मैंने पहले बताया बार बार आएगा ये, तो आंसर पॉजिटिव फोर की पावर सिक्स एंड नाइन की पावर सिक्स। अंडर स्टूड अगर कोई पावर नहीं है तो वन होती है। इधर देखें ये तो बहुत ही ईजी है, पावर पावर पावर, तो सारी पावर्स क्या होंगी मल्टीप्लाई, पहले इसको कर लें थ्री टू ज़ा सिक्स, क्या क्या फोर, सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर। इधर देखिए अब इतने सारे एम ने, सबकी बेसिस सेम है, इन पावर्स को ऐड कर सकते हैं आप, फोर थ्री सेवन नाइन और वन टेन। फिर देखें पावर पावर पावर, सबको मल्टीप्लाई कर दें, टेन टू ज़ा ट्वेंटी, पहले ये मल्टीप्लाई कर लिया, कोई सा भी कर लें आप, ट्वेंटी फाइव ज़ा हंड्रेड, ये आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है अभी, अब देखिए देखने में बहुत बिगर सम लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट, लेकिन आप बेस देखें ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, कोई इशू नहीं है। इन सारी पावर्स को क्या कर लें, एट फोर प्लस थ्री सेवन नाइन, फिर पावर के ऊपर पावर आ गया तो नाइन टू ज़ा एटीन, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है। देखिए फिर वही रूल आ गया, ये क्या माइनस और इसके ऊपर इवन पावर है, तो आंसर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव और जीरो पॉइंट वन की पावर है, ये बाहर नेगेटिव है, तो माइनस माइनस इंटू प्लस इज माइनस। ये लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट जो है क्वेश्चन था, आई होप कि आपकी समझ में आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम 1.4 करेंगे, राइट, और इस तरह पूरा 9 ग्रेड का कवर अप करना है हमें। रिव्यू एक्सरसाइज हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, सही है, सब होल बुक की। थैंक यू।